फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और आज हम यहां पर 3.7 वोल्ट को 10 लाख वोल्टेज में बूस्ट करने वाले हैं। यस गाइस, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है, मैं यहां पर 3.7 वोल्ट को 10 लाख वोल्ट में कन्वर्ट करने वाला हूं। फ्रेंड्स, वीडियो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है कि अगर आप घर पे ट्राई करो आपको शॉक लग सकता है, तो आप छोटे हो तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना, बड़े हो तो आपको इसको पूरी सेफ्टी के साथ में ट्राई करना। मैं वीडियो में आपको पूरा ध्यान से बता दूंगा, ठीक है। तो चलते फटाफट स्टूडियो के अंदर और देखते हैं इसको मैंने कैसे बूस्ट किया है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, हमें हाई वोल्ट बनाने के लिए यहाँ पर हमें हाई वोल्टेज बूस्टर की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर दो हाई वोल्ट बूस्टर कन्वर्टर, और यहाँ पर छोटा वाला जो आप देख सकते हो ये 3.7 वोल्ट को 4 लाख वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है यहाँ पर, और बड़ा वाला जो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 3.7 वोल्ट को 10 लाख वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है यहाँ पर। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज होता है, और भाई आप देख सकते हो दोनों की साइज जो आपको अलग अलग दिख रही होगी, लेकिन ये जो लगभग अंदर की साइज जो है वो बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज है वो बड़ा वाला ज़्यादा निकालता है, छोटा वाला यहाँ पर कम निकालता है। तो हम सबसे पहले छोटा वाला जो है छुटकू सा, इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसके बाद बड़े वाले का हम यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे कि कितना ज़्यादा हाई वोल्टेज निकल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा वाला जो आप देख सकते हो इसके आगे की साइड में यहाँ पर दो रेड वायर निकले हुए हैं, पीछे की साइड में यहाँ पर एक रेड और ग्रीन वायर यहाँ पर निकला हुआ है। जहाँ पर रेड और ग्रीन निकला हुआ है यहाँ पर 3.7 वोल्टेज हमें देना है, और जो रेड वाला है वहाँ से हाई वोल्टेज हमारा बाहर निकलने वाला है। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्ट है, तो यहाँ पर हमें सेफ्टी रखनी होगी, इसलिए यहाँ पर मैं एक MDA बोर्ड का यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं कॉपर के वायर का यूज़ करने वाला हूँ, दो छोटे छोटे। अब कॉपर वायर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, MDA बोर्ड के सामने की साइड में ग्लू गन के द्वारा इस टाइप से चिपका देंगे जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, और दोनों के बीच में यहाँ पर गैप हमें रखनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर आगे की साइड में बूस्ट कन्वर्टर जो है हमारा वो यहाँ पर लगाएंगे, जो यहाँ पर मैं छोटा वाला यूज़ कर रहा हूँ, और ये छोटा जो है आपको दिखने में छोटा दिख रहा होगा वरना बहुत ही पावरफुल है ये। इसके यहाँ पर सप्लाई देने के लिए हम 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करेंगे भाइयों, और इसका जो है हमें ऑन ऑफ के लिए एक स्विच लगाना होगा वरना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्विच लगाया है, और ये सारा सामान आपको MV बाज़ार पे काफ़ी कम रेट के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, और MV बाज़ार पे आपको और भी सामान मिल जाएगा जो कि आप परचेस कर सकते हो काफ़ी कम रेट में, जैसे सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग वायर, और भी बहुत सारी आपको मशीनरी चाहिए, मोटर चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। अब यहाँ पर इसकी जो वायरिंग है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, हमें जो है रेड वाला जो वायर प्लस में लगाना है, ग्रीन वाला माइनस में लगाना है, और यहाँ पर मैंने रेड वाला जो वायर है प्लस वाला उसके अंदर एक स्विच यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है ताकि हम इसे ऑन ऑफ कर दें भाइयों, क्योंकि यार आप समझ सकते हो 4 लाख वोल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, 4 लाख वोल्ट जो इतना ज़्यादा हाई होता है भाइयों कि मतलब अगर किसी को लग जाए तो वो पहुंच ही जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है हम यहाँ पर कन्वर्टर का यूज़ कर रहे हैं, पूरी सेफ्टी रखेंगे इसके साथ में, और यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो रेड वाले वायर है इन्हों को मैंने आगे की साइड में कॉपर से कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर जो हमारा माइनस टर्मिनल है उसको भी कनेक्ट कर देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना कि जो स्विच है वो यहाँ पर बंद होना चाहिए वरना जो है डायरेक्टली चालू हो जाएगा और आपका हाथ लग सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्विच को बंद करने के बाद में माइनस टर्मिनल को भी कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, और फाइनली गाइस यहाँ पर पूरी हमारी वायरिंग हो चुकी है, अब यहाँ पर इसको चलाने वाले हैं। लेकिन भाइयों मुझे डर लग रहा है क्योंकि 4 लाख वोल्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, हमारे घर के अंदर 220 वोल्ट आता है, और यहाँ पर अब 3.7 वोल्ट को 4 लाख वोल्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो जैसे मैं बटन दबाऊंगा यहाँ पर आप देखना, ओ माई गॉड गाइस, अभी आपने सुना इसका साउंड, आपको साउंड सुनकर ही पता लग गया होगा। मैं वापस से चालू करता हूँ और आप देख सकते हो कि हमारा जो वोल्टेज यहाँ पर बूस्ट होना स्टार्ट हो चुका है। हमारे 3.7 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई छोटी सी, उससे यहाँ पर इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज बूस्ट हो रहा है कि दोनों वायर के बीच में एक प्लाज्मा क्रिएट होने लगा है, मतलब दोनों के बीच में प्लाज्मा जनरेट होने लगा है, और जो वायर के बीच में गैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और मैंने यहाँ पर कोई और कनेक्शन नहीं किया है, बस 3.7 वोल्ट की बैटरी ही लगाई है इसके अंदर। तो आप देख सकते हो, ओ माय गॉड गाइस, इसका साउंड सुन सकते हो आप कितना भयंकर है, और इन दोनों के बीच में प्लाज्मा क्रिएट हो रहा है यहाँ पर दोनों वायर के बीच में, आप देख सकते हो, और इसका इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज है कि हमारा जो कैमरा है, कैमरे के हमने पास में रख रखा था, और मुझे डर लग रहा था कि मेरा कैमरा ख़राब ना हो जाए इसमें। आप देख सकते हो मैंने लाइट बंद करी तो आपको पूरा अच्छे से दिखेगा कि कैमरे के अंदर जो है यहाँ पर बग आ रहा है, मतलब यहाँ पर वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज है, तो हमारा कैमरा लेग मार रहा है यहाँ पर। मुझे डर लग रहा था वीडियो शूट करते समय कि हमारा जो
कैमरा है वो खराब ना हो जाए। अगर खराब हो जाता तो भाई 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाता हमारे यहाँ पर। तो हमारा हमने थोड़ा दूर रख कर इसको शूट किया है, जूम कर लिया है अभी यहाँ पर, ताकि हमारा कैमरा खराब ना हो। और वोल्टेज आप देख सकते हो यार, छोटा सा तो है ये, लेकिन इसका पावर देख सकते हो आप, मतलब बहुत उड़ जाएंगे भाई। अब यहाँ पर इसको बंद करेंगे और अभी यहाँ पर आपको पास से मैं दिखा देता हूँ। प्लाज्मा देख सकते हो, ब्लू कलर का यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इसके अंदर। और अब यहाँ पर हमारे जो बड़े भाई साहब है, जो 10 लाख वोल्ट यहाँ पर जनरेट करने वाले हैं, उसको यहाँ पर लगाएंगे। ये छोटा मैंने हटा के दूसरा वाला लगा दिया है यहाँ पर भाइयों, बड़ा वाला। और अब यहाँ पर इसको चलाएंगे तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा है अब, क्योंकि छोटू भाई साहब ने ही इतना ज़्यादा प्लाज्मा क्रिएट कर दिया, तो बड़े क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चालू करेंगे वापस से, और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो भाइयों कि यहाँ पर वापस से प्लाज्मा जनरेट होने लगा है। और आपको साउंड सुनाई में मेरे को पता नहीं, आप साउंड सुनिए एक बार इसका, वो आपको पता लग जाएगा। इसका साउंड बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, मुझे पता नहीं कैमरे में इसका साउंड रिकॉर्ड हो पाएगा या फिर नहीं होगा इतना भयंकर तरीके से। ओ माय गॉड गाइस, आप सुन सकते हो पूरे कमरे के अंदर इसका पूरा साउंड यहाँ पर, जो इसका जैसे कोई पटाखे जला दिए हमने पूरे कमरे के अंदर। मुझे नहीं लगता कि कैमरे के अंदर इतना भयंकर साउंड जो है वो रिकॉर्ड हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको बस यहाँ पर ये प्लाज्मा दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप मेरे स्टूडियो के अंदर होते भाइयों तो यकीनन आप अपने कान के ऊपर हाथ रख लेते, क्योंकि इतना भयंकर साउंड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। और इसमें तो देखिए हमने कैमरे को दूर रख रखा है, जो 4 लाख वोल्ट जब जनरेट हो रहा था तो हमारा कैमरा लेग कर रहा था, वीडियो के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। और अभी हमने यहाँ पर दूर रख रखा कैमरे को, जूम कर रखा है, तो भी हमारा जो कैमरा लेग मार रहा है। ये वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज, दोनों वायर को मैं दूर कर रहा हूँ तो भी आप देख सकते हो कितना भयंकर प्लाज्मा क्रिएट हो रहा है इसके बीच में, ये कितना दूर तक जंप कर रहा है। 10 लाख वोल्ट है भाई ये, 10 लाख वोल्ट। तो आप देख सकते हो, मैं आप इसे इसको चालू करके दिखाऊंगा आपको। और भाइयों मेरे को डर लग रहा है बहुत ही भयंकर तरीके से, क्योंकि यार इसका साउंड सुनकर ही मतलब पड़ जाती है, मतलब बच्चों से दूर ही रखना है इसको, अगर आप बनाते हो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है भाई ये। सो गाइस, अभी हाल देखा आप सभी ने कि हमने 3.7 वोल्ट को 10 लाख वोल्ट में भी कन्वर्ट किया, 4 लाख वोल्ट के अंदर भी हमने यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखा दिया आप सभी को। और इसका साउंड सुनकर ही आपको पता लग गया होगा कि ये कितना ज़्यादा वोल्टेज था। ये जो वोल्टेज है गाइस, इसके अंदर एम्पियर बिल्कुल ही नहीं होता है, मतलब बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इससे हम ना तो आग लगा सकते हैं ना कुछ काम में ले सकते हैं। और आप बोल रहे हो कि 10 लाख वोल्टेज जो हमारा पूरा का पूरा सिटी जो होता है उससे हम करंट दे सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर पावर जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, बस ये नाम का वोल्टेज होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, आपको इससे शॉक भी लग सकता है। तो अगर आप छोटे हो तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना घर पे, अगर आप बड़े हो तो आपको ये जो मॉड्यूल है ये आपको अपने MV बाजार पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 4 लाख वोल्ट वाला भी आपको मिल जाएगा, 10 लाख वाला भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप अपनी पूरी सेफ्टी से इसका ट्राई करना, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप अपनी पूरी सेफ्टी के साथ में रखना। और मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद जय भारत, बाय एवरीबॉडी।